हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टाइल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बजाज आलमंड ऑयल जो है ना, इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों को इस ऑयल को लेना चाहिए या नहीं। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में इस ऑयल को आजकल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं इसकी सच्चाई आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो बजाज का आलमंड ऑयल है ना, इन्होंने इस पे लिखा है कि 300% विटामिन ई। अभी मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो इसमें ना 77% एलएलपी है, मतलब लाइट लिक्विड पैराफिन, जो कि एक बाय प्रोडक्ट होता है। और इसमें ना 21% आलमंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का मिक्सचर है, मतलब दोनों का आप देख सकते हो कितना कितना होगा। 10% ही आलमंड ऑयल होगा गाइज इसमें। और इसमें परफ्यूम भी डाला हुआ है गाइज। हमारे बालों में अगर परफ्यूम जाएगा तो कितने सारे केमिकल्स हमारे रूट्स तक जाएंगे आप सोच सकते हो। और इसमें ना विटामिन ई एसिटेट भी है। विटामिन ई एसिटेट का मतलब विटामिन ई का सोर्स क्या है ये भी नहीं इन्होंने बताया है। और इसमें TBHQ है। TBHQ मतलब गाइज एक प्रिजर्वेटिव होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, तो इसीलिए डाला जाता है। और इस पर कलर इंडेक्स भी है। तो ये जो कलर है ना, ये नेचुरल नहीं है, इसमें कलर इन्होंने डाला हुआ है। और ये जो है ना Type 3 हेयर ऑयल है। Type 3 हेयर ऑयल मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। ऑयल्स के ना 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है ना, वो वेजिटेबल ऑयल होता है, मतलब नेचुरल फॉर्म में जो ऑयल आता है उसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। सेकेंड जो ऑयल होता है ना, वो मिनरल ऑयल होता है जिसमें कि केमिकल्स डाले हुए होते हैं। और थर्ड ऑयल जो होता है Type 3, उसमें मिक्सचर होता है वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल का। तो ये जो है ना Type 3 ऑयल है, तो आप सोच सकते हो कितने इसमें कितने सारे केमिकल्स डाले हुए होंगे इन्होंने। और इन्होंने लिखा है कि क्या क्या क्लेम करता है, ये लिखा है इन्होंने। हेल्प स्टिमुलेट हेयर और आलमंड ऑयल नरिशेस स्ट्रेंथन हेयर गेट स्ट्रॉन्गर हेयर फ्रॉम रूट टू टिप। तो मैं बता दूं गाइस, अगर किसी ऑयल में इतने सारे केमिकल्स होंगे तो वो हमारे हेयर को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये आपके हेयर को कुछ भी स्ट्रेंथन करेगा या आपके हेयर्स को लॉन्ग बना देगा या शाइनी बना देगा। इसकी मतलब मुझे तो लगता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका अगर हम लोग इसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी हमारे बालों के लिए अच्छा है। मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप करते हो मुझे बता दो। मैंने इस ऑयल को मैंने नहीं लिया था, मेरे हस्बैंड ने लिया था, लेकिन हम लोग कोई भी इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे जब से मैंने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी है। तो गाइस, नेचुरल फॉर्म में जो ऑयल्स होते हैं ना, आप पैराशूट कोकोनट ऑयल पे या वर्जन कोकोनट ऑयल पे पढ़ के देख लेना कि उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है। उसमें 90% कोकोनट ऑयल ही रहता है और प्रिजर्वेटिव थोड़े डाले हुए होते हैं। वर्जन ऑयल जो होते हैं उनमें तो प्रिजर्वेटिव भी नहीं होते हैं, नेचुरल ही फॉर्म में होते हैं 100%। तो इस पे तो परफ्यूम और अदर केमिकल्स भी बहुत है, तो हेयर की ब्रेकेज और हेयर मतलब फॉल भी होना ज़्यादा हो सकता है अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हो। तो मेरी तो सलाह है कि आप इसको यूज़ कर रहे हो तो मत करो, अच्छा नहीं है। तो ये था मेरा पर्सनल रिव्यू इसका। आई होप कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।